तो गाइस आप मेरे बैकग्राउंड से देख पा रहे होंगे मैं किसी अजीब सी जगह पे हूँ। हाँ, आज मैं अपनी दुकान के गोडाउन में हूँ और साफ सफाई शुरू करा रहा हूँ और सारा सामान जो कबाड़ है उसको कबाड़ी को बेचने के लिए जा रहा हूँ। और ये हमारा कबाड़ी भैया भी आ चुका है और सारा सामान हम जो है अब फटाफट इसको खाली करने वाले हैं। गाइस ये देखिए इतना सारा कबाड़ा निकला है आज दुकान से, इतना सारा कबाड़ा। हाई गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली BX एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटे को प्यार, बड़ों को आज की राम राम, बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। जी हाँ गाइज, सबसे पहले तो सॉरी, कल आपको हमारा व्लॉग नहीं मिला क्योंकि बच्चे दोनों बीमार थे और अच्छे खासे बीमार थे, इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया। और दूसरी बात, जैसा कि आपने अभी वीडियो के पहले शुरुआत में आपने देखा कि मैंने कबाड़ी को कबाड़ बेचा, जी हाँ मेरी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई है। और मैंने कल यानी कि जिस दिन एडिटिंग थी वो एडिटिंग ना करके, जब मेरे पास कंटेंट ही नहीं था तो मैं एडिटिंग क्या करता, तो मैंने अपने यहाँ की सफाई करवा दी फटाफट से, मामला साफ। तो गाइस अब ये पहले सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को दुकान पे लेके चलता हूँ। और आज मेरे टाइम हो रहा है 1:20, बच्चे सो रहे हैं, खुशी सो रही है, परू मेरे साथ है, वो मैं कर रही है, पानी मांग रही है अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी मेरी तरफ देख के ड्रामे ऐसे कर रही है। चलिए आप लोगों को सबसे मिलवाऊं और फिर मैं दुकान पे निकलूंगा, नहा धो करके मैं तैयार हो चुका हूं, अब मैं बस दुकान पे जाने को तैयार हूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लीजिए गाइस, मिल गया मेरी पल्लू जी से, ये सुबह सुबह एटीट्यूड दिखा रही है, ये बदमाश देख रहे हो कैसे आंखें करके दिखाती है, ये देख रहे हो, ये लीजिए गाइस, मिलिए एटुकले चीटुकले पिटुकले कल्लो मल्लो पल्लो से। क्या लायो, क्या करूं इसका, फिर कहां चलना है, इसको भी लेके चलना है, कहां जाना, कहां है, कहां चल, आजा मेरे साथ, मैं लेकर चलूंगी, चल बाहर चल। तू आवारा बच्ची है, तू आवारा बच्ची है, छोड़ दो छोड़ दो उसे, इसे भी अभी जाना है। आप देख रहे हो ना कितनी बदमाशी कर रखी है इस लड़की ने, ये देखते हो, सिर्फ बाहर लेकर चलो, सिर्फ बाहर लेकर चलो, पापा रोज का इसने मेरे को दोपहर में आते ही पकड़ लेती है, अभी मैंने ना हाथ धोए ना, ये देखो जूते भी नहीं उतारे, कुछ नहीं, चेंज तक नहीं करने दिया इसने मुझे, और बाहर लेकर चलो, देख रहे हो आप ये बच्चे कितना बिगड़े हुए, मैंने बिगड़ा हुआ, मैं बहुत शरीफ हूं। इसका गला की आवाज सुन रहे हो आप, कुछ बोलो। हाय गाइस, आपने किया आज, हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली BX। सो गाइस यहां पे हमारे पास चमकता टिकला, देखा आपने इसकी आवाज कितनी खराब है ना, नहीं बहुत सुंदर हो गई, मैंने मेरी ख़राब थी, जब मेरा कान नहीं बैठा हुआ था तब मैं गाना गाता था ना, तो बीच में से अजीब सी आवाज़ आती है मेरे कान में से, इसकी आवाज़ ऐसी और रखी है आवाज़, इसका गला भी ख़राब है। आई लाइक माय, चलो मैं थोड़ा सा खुशी को 10 मिनट, परू को और खुशी को जरा 10 मिनट घुमा के आऊँ। ये देखिए गाइस, ये परू की बच्ची अभी बाहर लेकर गई थी ना, ये लेकर आई है, ये देखिए मिठाइयाँ, और साथ में केला भी लेके आइए बनाना, और टाइसन ऐसे खुश हो रहा है, ऐसे नाच रहा है, ऐसे नाच रहा है जैसे टाइसन को खाने को मिलेगी, होता ऐसे नाच रहा है जैसे उसको मिलेगी खाने को, उसके बाप की शादी है जैसे, देख रहा है ऐसे नाच रहा है, उसके बाप की शादी है जैसे, साथ में बनाना भी लाया हूँ यार। तो गाइस मैं लंच के लिए घर पे आ गया हूँ और घर आके पता है क्या देखता हूँ, आप भी देखिए यहाँ मजे से मेरी वीडियो चल रही है, और हम भी तो आते हैं इसमें ये कहा जा रहा है, तो बड़ी खुशी मिल रही है क्योंकि अक्सर क्या होता था ये लोग शाम को देखते थे नॉर्मली,
आज मैं आया तो आज ये घर पे थी तो इसने लगा रखी थी। चलिए अभी मैं थोड़ा सा बाहर जाने वाला हूँ थोड़ी देर सो करके, क्योंकि आज गणपति विसर्जन हो रहा है बड़े बड़े मंदिरों का, बड़े बड़े पंडालों का, तो थोड़ा सा मैं चलूँगा जहाँ विसर्जन होगा, एक आधा जगह मत्था वत्था टेकेंगे और आएंगे वहाँ से। आप लोगों को लेके चलता हूँ, हमने तो घर पे विराजमान कराए नहीं थे, लेकिन बाहर के तो मंदिर वगैरह में तो पूजा कराई थी, तो वहाँ का दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस मैं गणपति विसर्जन के बाद तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने कुछ क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर करी है। मैं और खुशी गए थे गणपति विसर्जन के लिए, परू को हम जानबूझ के नहीं ले गए क्योंकि परू जो है वहाँ के लिए नहीं थी। आपने देखा होगा बहुत रश है और ये इतनी शैतान है ना, उल्लू की पट्टी है एक नंबर की। भैया पानी देखते ही तो पानी में जंप मार जाए, ये तो मुझे लग रहा है पिछले जन्म में स्विमर थी कहीं। पापा आपने गंगा जी वाली क्लिप देखी हमारी,
नीरगा फोर्ट नीरगा वाटरफॉल वाली क्लिप भी देखी होगी। वहाँ पे इतनी ठंड लग रही पर तब भी इसे कर रही है अंदर ही रहना पानी लेकिन गंगा जी में नहाना है इसको गंगा जी में नहाना है इतने ठंडे पन में हम लाल द्वारे के पीछे गंगा जी जा रही थी वहाँ पर बैठे भाई ये भी आकर के पानी के अंदर डूबने को तैयार बैठी है कि मैं तो डुबकी लगाऊंगी मैं नहीं ये मेरे को पैर नहीं उठाना सुबह सुबह मैं तो डुबकी मारने जा रही हूँ और ये पहले पहुंच गए डुबकी मारने ये मैडम। तो गाइस अब आपको मैं एक मस्त सी बात बताऊंगा मस्त सी बात है ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था वैसे मैं पहले भी गया हूँ पर वहाँ पे ऐसे नाचते हैं लोग जैसे उनकी शादी हो रही हो। बेटे ये ना हमारा कल्चर है ये जितने भी आप लोग देखते हैं ना ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। एक्चुअल में हम लोग तो खाने पीने वाले लोग हो गए तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इस तरफ ध्यान कम देते हैं। अब दादी को देखा तूने दादी को ये देख रहे हो गाइस कितनी शैतान हो गई ये देखो कहाँ ये मेरे सीने पे आकर बैठी है ये देखो अरे बाप अरे बाप रे मार दिया। और ये पता कैसे आई है मैंने नहीं बुलाया ये देखो कुर्सी लगा करके ये चढ़ी है मेरे ऊपर अरे दादा मर गया मैं अरे दादा मुझे बचाओ। चलिए गाइस मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना है चाय लेकर के मैं मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। परू को लग रही है भूख तो मैंने और मम्मी गई है सामान लेने बाहर मतलब क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसे सब्जी लेने तो मैं जो परू को भूख लग रही है तो मैंने परू के लिए बना ली माइक्रोवेव पॉपकॉर्न क्योंकि गैस तो यूज़ करनी है नहीं हमने तो हमारे पास है माइक्रोवेव तो मैं माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न बना रही हूँ और मेरे को अभी पापा से पूछना पड़ेगा कि मैं खा सकती हूँ चूँकि यू नो मेरी तबीयत अभी भी खराब है उसी तो मैं परू के लिए बना रही हूँ सिर्फ अभी बाकी मैं पूछती हूँ पापा से कि मैं खा सकती हूँ मैं खा सकती हूँ मैं खा लूँगी। मैं पॉपकॉर्न खा सकता हूँ? नहीं बेटे घी तेल वाला है। पापा क्यों नहीं खा सकते आप प्लीज खा लो यार पर खा रही है। नहीं बेटे घी तेल मना किया ना अभी आपको मक्खन घी तेल जी। ओके बेटा ठीक है खा रहा है तू और तू ऐसी बात मेरा एक और दो। ओके आई एम नॉट गोइंग टू ईट ना पर। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और घर आ कर के आज थोड़ा चैन की सांस ले रहा हूँ खुशी थोड़ी ठीक है पढ़ाई करने बैठ गई है उसको थोड़ा पढ़ाना है उसके पेपर है आर्ट को साइंस का पेपर है मंडे को यानी कि हाँ जी ये देखिए एक और नया पंगा दिखाओ जी दिखाओ ये इसकी छोटी हो चुकी है पर इसे इतनी पसंद है कि इसे अभी पहननी है और ये जो है ना महारानी मानेगी नहीं इसको जो ये देखो तय 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 लगा रखी है इसके आप लोगों से भी लड़ लेगी ये तो इतनी सुपर नखा हो रखी है आजकल। तो गाइस आज डिनर में पता है क्या है आज डिनर में है चिकन जी हाँ चिकन और चिकन इसलिए यार अब श्राद्ध और नवरात्र श्राद्ध लगने के बाद नवरात्रि हो जाएंगे और कल पूर्णमासी है तो हम लोगों के पास नहीं होगा ये सब खाने के लिए तो हमने कहा क्या आज हम लोगों ने इसलिए चिकन बनवा लिया। चलिए अभी खाना खाने बैठता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। गिर जाएगी ए लल्ला मेरा गिर जाएगा अरे लल्ला मेरा गिर जाएगा अरे 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 लल्ला गिर जाएगा अरे लल्ला गिर जाएगा भाई लल्ला गिर जाएगा अरे लल्ला गिर जाएगा अरे लल्ला गिर जाएगा मेरा लल्ला गिर जाएगा अरे लल्ला गिर जाएगा भाई लल्ला गिर जाएगा अरे लल्ला गिर जाएगा तुझे अंदर जाके बैठ ले बेटा
पंखा चला के वहाँ बैठ जाए, वहाँ पढ़ जाए। आओ खिची कर दे जल्दी से। हाँ तू बदतमीज है, आओ खिची कर दे जल्दी से। जबड़ा तोड़ दिया बाप का मल्ले ने। हाँ ये हटा दिया ना, नीचे गिरी होगी। छाले मैं भी तो ऐसे करूंगा, एक पट पट। चलो यहाँ बिछाओ, ऐसे बिछाओ, बिछाओ, बिछा दो। और बड़े बच्चे ने पेल दिया, छाले ने पेल दिया मुझको। दीदी पढ़ेगी नहीं, दीदी कबाड़ियां करेगी बेटा। ये देखो दीदी, दीदी के पेपर है, दीदी पढ़ाई नहीं करके कबाड़ीपन कर रही है। सो गाइस, मेरा आज का दिन बड़ा मज़ेदार था। मैं सुबह भी गया, इसने भी शैतानी करी, मेरे को बाहर लेकर गई, दोपहर में मेरे साथ जा कर के ये मिठाइयाँ लेकर आई, और पता है गाइस, एक ही दिन में मिठाई का डब्बा चट। आप कहोगे तुम्हारे बच्चे बदमाश है, उनके साथ अब तो पिताजी बदमाश है तुम, क्योंकि ये बच्चे जरा सा ठीक होते नहीं कि तुम खुद उन्हें मिठाइयाँ लेकर आ जाते हो, ये लेकर आ जाते हो, वो लेकर आ जाते हो। यार बच्चे हैं यार, क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने गणपति विसर्जन देखा, हमने खूब मस्ती भी करी वहाँ पर, और पता है आप लोगों को, हमने वहाँ पर अपने 3-4 सब्सक्राइबर भी बढ़वाए। जी हाँ, हमने वहाँ पर 3-4 अपने सब्सक्राइबर भी बढ़वाए। और अब मैं बस सोने की कतार पे हूँ, और परू ने व्लॉग को करेगी अंत। मिलिए उससे अब। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे को कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। ठीक है जी, और आज गुड नाइट करेगी कौन? जल्दी 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 ए ए, अरे इतना छोटा सा नहीं, अच्छे से कर दे।